आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया अखिलेश जी मायावती ने बाहर वाले टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। वाह सुरेंद्र एक आध फोटो मार दिया जाए ऐसे लोगों का बहुत धन्यवाद। वाह मैं सबसे पहले नेशनल लेबर पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक नया दल नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला अधिकार मिले उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करने के लिए और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी तो अगर जो सबको बराबरी की बात करें सबको साथ लाने का काम करें सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात करें वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हो। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी और तमाम समय समय पे महापुरुष राजनेता साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो संपन्न हो लोग और बराबरी हो उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मुबारकबाद। चार राज्यों का सर बीते जो चार राज्यों का प्रतिक्रिया आपकी पहली प्रतिक्रिया भाई मैं जानता हूँ मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूँ आपसे मैं कुछ भी कहूँगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा।
हम लोग निराश नहीं है और राजनीति में लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद थोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। लेकिन इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत थी, बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादी। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कह सकते हैं। रुक जा भाई, मैं जानता हूँ, इसके बाद कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं होंगे और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डायल 100 दिया, फोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। और आजकल तो देखा होगा आपने टेक्नोलॉजी में, स्विगी है, तमाम है, फोन करो खाना आ गया, फोन करो सामान आ गया। ये बात नहीं कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमरीका में, जापान में, अमरीका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए, अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है काउंटिंग कराता है तो आपको किस बात की जल्दी है। इंडिया सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके जो नेता है वो बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए थे, चाहे कमलनाथ हो चाहे यहाँ पर अजय राय हो। ये बात खत्म हो गई, एक बात ये आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया यार। ईवीएम बीते विधानसभा में सर साथी सर परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों के फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है
उसको सहयोग दूसरे दल करें। शेयरिंग बढ़ गई, भले आपकी कोई सीट ना हासिल की हो लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है। समाजवादी विचारधारा फैले, मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो, सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूँ यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है, यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर रोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार, घर घर रोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर रोजगार, मांग रहा है रोजगार। प्रधानमंत्री भाई मोबाइल पीछे करो, कोई भाई भैया मोबाइल इधर। नेशनल इक्वल पार्टी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये जो लोग कह रहे हैं, कौन सा सवाल है, हम भी तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे 17 में कि सरकार बनेगी, 22 में भी यही उम्मीद लगा के बैठे थे। उम्मीद करना और सोचना कोई गलत नहीं है, इंसान का पॉजिटिव हो रहना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये आप बताइए कि हर मीटर, अगर एक मीटर नाला साफ हुआ होगा बनारस में तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, क्या इसका हिसाब किताब कोई देगा। आपने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा साफ होगी, क्या आज बीओडी सीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन गंगा की उतनी साफ सुथरी है? क्या हमारे नाविक जो उम्मीद लगाए थे कि उनकी नाव चलेगी गंगा में, अरे बड़े बड़े 3-5 स्टार आ गए जिसमें बार है, 5 स्टार अगर आप कह रहे हैं क्रूज, तो बिना बार के 5 स्टार नहीं हो सकता। शायद आप मुझसे बेहतर समझते होंगे ये बात। तो ये सवाल जो बुनियादी है कि हर मीटर पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा नाला सफाई में, वर्णा का काम जितना समाजवादियों ने किया था वैसे का वैसा है। और मैं आज भी कहता हूँ दावे के साथ आपके सामने कि नदियां साफ करने का जो रास्ता समाजवादियों ने अपनाया था कि नाला एक भी गंदा नदी में ना जाए और जो नदी में पानी जाए वो ट्रीट होकर के जाए, वही अंतोगत्वा सरकारों को अपनाना पड़ेगा। 3-4 साल पहले भी मैंने यही बात कही, फिर मैं कहता हूँ क्या माँ गंगा की साफ सफाई होगी? आप मुझे बताइए कि नाले रुक गए? अगर नालों पर एक मीटर में करोड़ों रुपए खर्च होंगे उसके बावजूद भी नाले नहीं रुक रहे और गंगा वैसी की वैसी है, तो क्या जनता उन्हें वोट देगी? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? क्या घर घर नौजवान बेरोजगार नहीं बैठा? और फिर नई ट्रैफिक भर्ती हुई जो सांड सड़कों पर, जानवर सड़कों पर, बीजेपी कहती नंदी है तो हम भी स्वीकार करते नंदी है, तो नंदी भगवान के लिए या नंदी के लिए क्या आप 5,000 करोड़ का बजट नहीं रख सकते? मैंने सप्लीमेंट्री बजट में कहा कि सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ बजट रखना चाहिए। सरकार क्यों पीछे भाग रही है? क्या बिजली महंगी नहीं मिल रही आपको? प्रमोद किशन क्या है कि बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। हमें अगर पेड़ भी दिखाई दे जाता है तो मैं पेड़ के पैर छू लेता हूँ, क्या ये सनातन धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मानते हैं ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमसे ज्यादा अगर पेड़ लगाए हो किसी ने तो बता दो। तो हम तो वो लोग हैं, इसलिए सवाल क्या है, सवाल ये है क्या एक मीटर नाले में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए नाला सफाई में? क्या एक मीटर नाले में करोड़ों रुपए करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी 46 में 56 वाले, हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 क्या सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3,000 करोड़ रुपए की बनी है? मैं आपसे कहता हूँ गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6,000 करोड़ की सड़क नहीं बन रही? 90 किलोमीटर सड़क आप सोचिए 6,000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस
और माँ गंगा को साफ करने के लिए एक मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूंगा, बेरा सुनने आए हम भी सुने, आप भी सुने। ये क्या परिवार बात? अरे यहाँ जितने खड़े हो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अरे बताइए ना, जो सवाल कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी? मैं तो ये कहूँगा, परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछने चाहिए। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना को लेकर सवाल, परिवार वाले हमारे साथी हैं, वो परिवार वाला सवाल नहीं पूछ सकते। और राजनीति में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, व्यापारी का बेटा व्यापारी। तो अगर नेता कोई मशीन से नहीं जीत रहा है, वो जाकर के वोट मांगता है, तो लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। हाँ, अगर हम गलत हैं तो जनता हमें नकार देगी, और हम जनता के जिससे लड़ने जाते हैं, अपना परिवार क्यों छिपाते हो? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके मामा मठ के ना होते और गोरखपुर से सांसद ना होते, तो क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते? उनको अपना परिवार वाला नहीं दिखाई देता है? और मैं तो ये कहूंगा, हम तो उनके बाद लोकसभा में आए। अरे पहले तो आपने परिवारवाद किया, सीट शेयरिंग अगर आपने नहीं किया होता परिवारवाद, तो हम भी नहीं लड़े होते। इन तीन राज्यों में सीट शेयरिंग बढ़ गई आपकी, भले आप सीट शेयरिंग नहीं, हमारा लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है अखिलेश जी। और हमारे गठबंधन आपने देखे हैं, कभी हम किसी का गला दबा के गठबंधन नहीं करते, किसी को दबा के गठबंधन नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि सिद्धांत जो है उसके आधार पर, और अगर हम जीतने वाले तो हमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रत्याशी अच्छा है जो जीत सकता है, तो हम आप पे विचार करेंगे। हमारे कोई शर्त नहीं है, और शर्त के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य आपको कहाँ देख रहे हैं? अभी इंडिया हारी थी, इंडिया फिर हार गई, फिर जीत जाएगी, क्या होता है? आप नहीं चाहते इंडिया जीते? बताओ ना, आप बोलो ना, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? गठबंधन की राजनीति नहीं, गठबंधन नहीं, मैं आपसे सवाल के बारे में पूछ रहा हूँ भाई, मोबाइल वाला कौन है? नहीं चाहते इंडिया जीते, ये भी मन से चाहते इंडिया। लेकिन जैसा इन्होंने अभी पूछा, वही मैंने जवाब दिया कि अगर हमारे पास प्रत्याशी अच्छा है तो हम लड़ेंगे, आप पे प्रत्याशी है तो आप लड़ेंगे, हमारे रास्ते और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। विधानसभा जाति जनगणना होगी, अखिलेश जी सोचने की बात नहीं है। आपके आपके पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार लंबा होता जा रहा है मंत्री बनने को लेकर, और क्या एक बार फिर से गठबंधन में कुछ साबित करेंगे? मैं चैनल देखता हूँ, जब एड आता है तो वो सब न्यूज खत्म हो जाती है, एड वाले बातों की बात मत करो, एड वाले क्या सब हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व। देखिए मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। अरे भाई, हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू सनातन धर्म सनातन धर्म, हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना को आगे मत बढ़ाओ, नहीं रास्ता बहुत टफ हो गया है। मायावती ने खुद सवाल है, घर घर रोजगार मांग रहा है रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे नहीं, नहीं अभी करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए वो जो गठबंधन है, वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना, लेकिन यूपी में और जो किसान की आय भी दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। सर, प्रधानमंत्री 2024 का रास्ता साफ हो गया है। मायावती ने ट्विटर पर, आय दोगुनी होगी आपकी, बनारस से किसको लड़ा रहे हैं? अखिलेश पल्लवी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर चुनाव। आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया। अखिलेश जी, मायावती ने अखबार वाले टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी, अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। अखिलेश जी, मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा करती है, तरफा बदल उस पर एक रिटेनमेंट दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो एक शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात, आप कैसे देखते हैं? हम जवाब दे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये अहम मुद्दा होगा? मैंने तर्क भी दिया, मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी,
तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे, इसीलिए मैंने मांग की है और देश से ये मांग उठ रही है कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं पक्ष में हूँ, जाति गणना होगी, होके रहेगी, समय जरूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति गणना हो। अब डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं, अब तो डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं। अरे भाई तुम पूछो के बदल जाएंगे, क्यों उनकी बात करते हो? ये जीत के बाद चौबीस को किस तरह से देख रहे हैं? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र। सर आप पूर्वांचल में बैठे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव में मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है, और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जाति गणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीढ़ियों की बात करके, जातियों में नहीं मांग रहे, जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है, और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के साथ आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है, इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और आदिवासी विरोधी लोग। ठीक है, थैंक यू।